मुरादाबाद के एक होनहार बेटी की सहायता के लिए आज एक सामाजिक संस्था ने डीएम मुरादाबाद को एक ज्ञापन सौंपते हुए उसका इलाज करने की गुहार लगाई है। मुरादाबाद की ये बेटी अपने परिवार के सदस्यों की मौत के बाद मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गई है और अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल आज सामाजिक संस्था श्री जी फाउंडेशन से जुड़े लोग डीएम कार्यालय पहुंचे थे। इन्होंने मुरादाबाद की एक ऐसी होनहार बेटी सुरभि उपाध्याय की जिंदगी से डीएम को अवगत कराया है जो अपने पिता की मौत के बाद से मानसिक संतुलन खो चुकी है और मंझोला इलाके के लाइन पार की गलियों में भटकने को मजबूर है। संस्था से जुड़े किसी व्यक्ति ने एक वीडियो भी डीएम को सौंपा है जिसमें उक्त व्यक्ति कचरे से उठाकर खाना खाते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। संस्था के लोगों का कहना है कि पिछले लंबे समय से इस बेटी का ध्यान उस इलाके के लोग रख रहे हैं और अब संस्था के लोग भी इलाज कराने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल इस बच्ची पर असामाजिक तत्वों की नज़र बनी रहती है जिसके चलते इस बच्ची का जल्द से जल्द इलाज होना आवश्यक है। इसलिए एक ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत कराया गया है कि इसके इलाज में प्रशासन की तरफ से पहल करने का आदेश जारी करने का कष्ट करें जिससे कि इस बच्ची का इलाज हो पाए। नाम है मेरा, लाइन पार गायत्री नगर में रहती हूँ। जो लड़की है शुभ उपाध्याय है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कूड़े में से खाना वाना उठा के भी खा लेती है और मोहल्ले वालों ने भी उसका इलाज करवाना चाहा लेकिन इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उसकी मम्मी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, लोगों को उल्टा सीधा कुछ भी उठा के फेंक के मार देती हैं। तो प्रशासन से हमें बस यही चाहिए कि उसका इलाज हो जाए लीगली तौर पर। सर क्या नाम है? मेरा नाम सर विशालाक्ष शर्मा है। मैं सचिव हूँ श्री जी फाउंडेशन में और राष्ट्रीय योगी सेना में गौरक्षा प्रकोष से जिलाध्यक्ष। क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आ जाता है? समस्या ये है सर, हमारी ट्रस्ट के कुछ लोगों को एक जानकारी मिली थी कि लाइन पार में एक लड़की है शुभ उपाध्याय जो कि मानसिक तौर पर थोड़ा सा बीमार है। हालांकि वो लड़की जब हम लोगों ने पता करा तो पहले पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, उसकी स्कूलिंग भी अच्छी हुई है, लेकिन उसके पिताजी के देहांत के बाद जो कि उसके पिताजी एक अधिवक्ता थे, उस लड़की की मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनके परिवार में भी कोई नहीं है, सिर्फ उनकी माता जी हैं जिनसे हमारे ट्रस्ट के लोगों ने संपर्क करा कि उस लड़की के इलाज के लिए, लेकिन उनकी माता जी भी उसके इलाज के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। मोहल्ले के लोगों से बात हुई तो मोहल्ले के लोग भी उस लड़की को लेकर के बहुत चिंतित थे कि अच्छी बच्ची है बेचारी, उसके वीडियो भी बहुत सारे वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कूड़े में से खाना उठा उठा करके खा रही है। तो ये चीज़ देख करके हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ। मोहल्ले के लोगों का भी यही कहना था कि हमें भी बहुत दुख होता है, हम लोगों ने भी इसके इलाज के लिए बहुत बार प्रयास करा लेकिन इसकी जो माता जी हैं वो इलाज इसका नहीं करवाने देना चाह रही। तो इसी संबंध में हम डीएम साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि उस लड़की को सरकारी या प्रशासन के माध्यम से उस लड़की का इलाज करवाया जाए क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आ रही है उसके इलाज करवाने में। उसकी मम्मी भी मानसिक तौर पर परेशान है, उसकी मम्मी भी थोड़ा सा हमें मानसिक रूप से बीमार लगती हैं। जिस तरीके से बात करी तो उनकी तरफ से अपनी बच्ची के इलाज के लिए कुछ भी मतलब प्रयास नहीं किए गए और हम लोगों को भी रोका ही गया। तो हम प्रशासन से थोड़ा सा ये चाहते हैं हेल्प कि प्रशासन इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करके और उस बच्ची का इलाज करवाए। लड़की जो है वो लाइन पार क्षेत्र की है।